हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर नेहा डोनवाकर है और मैं आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। विटिलिगो, जिसको सफ़ेद दाग बोलते हैं या सफ़ेद चकत्ते बोलते हैं, तो ये जो बीमारी है इसके बारे में लोगों में बहुत घबराहट होती है और लोगों को लगता है कि विटिलिगो क्योर ही नहीं हो सकता। तो आज का ये वीडियो उसी बारे में है कि विटिलिगो क्योर नहीं हो सकता, ये मिथ है। विटिलिगो क्योर होता है और आयुर्वेदिक दवा से अच्छी तरह से क्योर होता है। तो आयुर्वेदिक दवा लेने से विटिलिगो क्योर होने के बाद फिर से वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब नहीं के बराबर होते हैं। तो पहले तो ये डर दिल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि अभी विटिलिगो का ट्रीटमेंट करते करते मुझे 25 से भी ऊपर साल हो गए, लगभग 30 साल से मैं ये ट्रीटमेंट्स करती हूँ। तो जब भी पेशेंट कंसल्टिंग रूम में आता है तो उसका पहला सवाल यह होता है कि मैम, ये ठीक हो सकता है क्या? आप सच बताइए हमको, ये ठीक होगा कि नहीं? तो पेशेंट की साइकोलॉजी ये होती है और यही पकड़ के आता है कि ये ठीक नहीं होगा, और हर डॉक्टर बदलते रहता है और 10-15 डॉक्टरों को दिखाने के बाद वो और नर्वस हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि विटिलिगो आयुर्वेदिक दवा से पूरी तरह से ठीक होता है। इसका कारण भी ये है कि आयुर्वेद की जो दवा होती है तो ये एक प्राचीन काल से यूज की हुई दवा है, और ये जड़ी बूटी जो है कोई भी बीमारी, सिर्फ सफेद दाग ही नहीं, ये पूरा जड़ से निकालने का काम करती है। तो आप जब तरह तरह के डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने के बाद वो तरह तरह के ऑइंटमेंट लगाने के यूज करते हो तो वो थोड़े दिनों के लिए कम हो जाता है, लेकिन वो सब बंद करने के बाद फिर से आना लगता है। मतलब ये हर एक अलग अलग पैथी का अलग अलग गुण होता है, कोई भी पैथी गलत नहीं होती और कोई भी सही नहीं होती, हर एक पैथी का अलग अलग बैरियर होता है। तो आयुर्वेद स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो आयुर्वेदिक दवा लेने के बाद सफेद दाग जो ठीक होता है तो वो कैसे ठीक होता है? हमारे शरीर की जो त्वचा है उसको उसका नेचुरल कलर देने का काम मेलानोसाइट्स नाम की जो ग्रंथि होती है उसमें से जो मेलानिन नाम का स्त्राव आता है, वो सिक्रेशन जब स्किन को मिलता है तो वो स्किन का नॉर्मल कलर मरते दम तक वैसे ही रखती है। अगर कुछ वजह से ये सिक्रेशन में गड़बड़ हो गई तो जो मेलानोसाइट नाम की ग्रंथि है उसमें से वो सिक्रेशन निकलना कम हो जाता है, कुछ जगह पे पूरा बंद हो जाता है। तो आयुर्वेद की जड़ी बूटी है वो ये जो सिक्रेशन जहाँ जहाँ बंद हुआ है वहाँ को उसको स्टिमुलेट करके वो स्किन के ऊपर आने के लिए मदद करती है। तो ये जो स्टिमुलेशन होना चाहिए इसके लिए बीच बीच में क्या बाधाएं आती है? तो विटिलिगो जो बोलते हैं हम, सफ़ेद दाग, ये अपने रोग प्रतिकार शक्ति के अगेंस्ट काम करने वाली बीमारी है। आपके शरीर की ही जो स्किन को प्रोटेक्ट करने की काम करता है वही इम्यूनिटी आपके शरीर के अगेंस्ट काम करती है, इसलिए इसको ऑटो इम्यून स्किन डिसीज कहा जाता है। तो जब ये अपने शरीर के ही सिक्रेशंस को कम करने की या मेलानोसाइट्स नाम की जो ग्रंथि होती है उसको मारने की कोशिश शरीर के अंदर ही शुरू हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाएं हैं। और उसके साथ आयुर्वेद में हर जगह पे डाइट बोल करने के लिए बोलते हैं। हर आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको बोलेगा कि इसके साथ ये परहेज करना जरूरी है। तो वो परहेज का साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब शरीर में ये ऑटोइम्यून डिसीज तैयार होता है तो उसका कारण होता है कि अपने शरीर में बहुत गंदगी शुरू हो जाती है तैयार होना, जिसको हम बोलते हैं कि अपने शरीर में फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं। तो ये कम करने के लिए डाइट प्रॉपर लेना और अच्छा लेना बेहद ज़रूरी होता है। आप होटल का खाओगे, बासी रोटी खाओगे, कुछ मिक्स वाला सब खाओगे, अलग अलग तरह के, मतलब खट्टा मीठा और तीखा सब एक साथ मिला के खाओगे, तो ये चीज़ों से अपने शरीर के स्किन को हार्म होता है। तो ये चीज़ों को कम करने के लिए सादा आहार जिसमें खट्टा नहीं खाना या ऐसी जो भी परहेज बताया जाता है वो करने से ये सिक्रेशंस जल्दी नॉर्मल कंडीशन में आने का मतलब आने लगते हैं, तो ट्रीटमेंट जल्दी होता है, इसलिए परहेज करना ज़रूरी होता है। और अगर जो बताए वो डाइट करके उसके साथ मेडिसिन लो आप और सन एक्सपोजर भी दिया
ये तीन चीजों को मिला के बहुत जल्दी सफेद दाग ठीक होते हैं। ऐसा नहीं कि सालों साल लगते हैं, 6 महीने या 1 साल में भी सफेद दाग पूरी तरह से निकल जाते हैं। तो इसके लिए जो भी ट्रीटमेंट जिनको लेना है उनको भी ये समझ लेना बहुत जरूरी होता है कि ये ट्रीटमेंट किस तरह का है, उसके उनको फायदे क्या है और वो किस तरह से लेना चाहिए। तो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट उसके साथ डाइट और प्रॉपर ट्रीटमेंट किए और उसको धूप में जो बैठना होता है वो अगर रेगुलर आप करते हो 15 मिनट या आधा घंटा धूप में बैठते हो तो ये दाग जाने को टाइम बिल्कुल नहीं लगता है और वो दुरुस्त भी होता है। तो इस तरह से विटिलिगो क्योर होना मुश्किल नहीं है, क्योर होता है। उसके साथ में फिर बाद में पूरा क्योर होने के बाद भी आप अगर अच्छी तरह से अपना लाइफस्टाइल रखो, रेगुलर खाना खाना, टाइम पे नींद लेना, ये सब चीज़ें करो, स्ट्रेस को कम लेना, अगर ये आपने अपने हिसाब से अच्छी तरह से किया तो ये जो क्योर हुआ है वो बार बार आने की कोशिश भी नहीं करता है। तो इस तरह से आयुर्वेद का ट्रीटमेंट होता है और आयुर्वेद का कंसेप्ट ही ऐसा है कि कोई भी चीज़ को जड़ से निकाल के फेंक दो। तो ये अगर आपने डाइट और प्रॉपर लाइफस्टाइल रखे तो विटिलिगो क्योर हो सकता है। थैंक यू।